अ चाइल्ड इज बोर्न विद इन 7 months ऑफ मैरिज, अगर एक बच्चे का जन्म होता है विवाह के 7 महीनों के अंदर अंदर, एंड हस्बैंड इज क्लेमिंग दैट ही इज नॉट हिज फादर, हस्बैंड ये क्लेम करता है कि वो बच्चा उसका नहीं है, देन द बर्डन टू प्रूफ इललेजिटिमेसी ऑफ दैट चाइल्ड विल लाई ऑन हस्बैंड, तो उस बच्चे के अधर्मजता को सिद्ध करने का जो भार होगा वो पिता के ऊपर होगा। हाउएवर कोर्ट मे ऑल्सो डायरेक्ट द वाइफ टू अंडरगो डीएनए टेस्ट, कोर्ट जो है वाइफ को डायरेक्ट कर सकती है कि आप उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लो ताकि जो पैटर्निटी है वो प्रूफ हो सके और हस्बैंड का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। इसे कहा गया है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 12 के अंदर ऑन पेज नंबर 34। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए आप नॉलेज ग्रिप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इस सेक्शन के ऊपर वॉइडेबल मैरिज के ऊपर कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।